टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टफिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन जो हर किसी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डज स्टफिंग हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए स्टफिंग हमें कैसे इंश्योर करता है, कैसे हेल्प करता है, इसी का आंसर अगर हम आंसर की बात करें तो स्टफिंग हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग ओवर स्टफिंग एंड डिस्टरप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल। स्टफिंग हेल्प करता है एंड इंश्योर करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे करता है, अवॉइडिंग हमें करना चाहिए, ओवर स्टाफ नहीं करना चाहिए एंड जो वर्क हो रहा होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वाई इंडिकेटिंग इन एडवांस, हमें एडवांस में ही पता चल जाता है जो भी शॉर्टेज होता है इंडिविजुअल के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टाफिंग सॉल्व करता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डज स्टाफिंग हेल्प टू इंश्योर हायर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। स्टाफिंग कैसे हेल्प करता है, कैसे इंश्योर करता है हायर परफॉर्मेंस जो कि एम्प्लॉय कर सके। हाउ, लेट्स सी द आंसर। सो आंसर इज स्टाफिंग हेल्प इन इंश्योरिंग हायर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय बाय प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन विच इज व्हाट इज द प्री रिक्वायसाइट ऑफ सिलेक्शन। प्री रिक्वायसाइट ऑफ सिलेक्शन क्या है? सो प्री रिक्वायसाइट इज नथिंग बट इट इज एज अ वर्क एज अ रिक्रूटमेंट। प्री रिक्वायसाइट ऑफ सिलेक्शन इज रिक्रूटमेंट करना होता है, जिसमें हमें सिलेक्शन करना होता है एंड थ्रू रिक्रूटमेंट द कंपनी रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम विच द बेस्ट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। दिस इज द आंसर ऑफ प्री रिक्वायसाइट ऑफ सिलेक्शन। यू कैन सी द आंसर, प्री रिक्वायसाइट ऑफ सिलेक्शन इज रिक्रूटमेंट बिकॉज इट इज थ्रू रिक्रूटमेंट दैट द कंपनी रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम विच द बेस्ट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो और क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल मोमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल मोमेंट ऑफ एम्प्लॉय को क्या कहा जाता है? तो हॉरिजॉन्टल मोमेंट को जनरली बहुत सिंपल वन वर्ड में आंसर दे सकते हैं, ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल मोमेंट जब हो रहा होता है एम्प्लॉयज में तो उसको ट्रांसफ़र करा जाता है। तो रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेम द स्टेट द ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज यूज्ड टू गेट ट्रेनिंग टू द इलेक्ट्रिशियन। नेम बताना है इसमें तो बेसिकली इसका आंसर है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। जो अप्रेंटेंसिव होता है, अप्रेंटेंसिव प्रोग्राम होता है, उसी को कहते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन जो भी ट्रेनिंग लेते हैं वो अप्रेंटिसशिप कराते हैं, उसमें ही ये आता है। बात कर लेते हैं डिफरेंस की, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। लेट्स सी द आंसर। सो आंसर इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इज दैट द फॉर्मर मेजर्स द पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल एंड द लेटर जजेस द एक्चुअल स्किल पोजेस्ड। बेसिक डिफरेंस इसमें यही है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट होता है उसमें जो फॉर्मर होते हैं वो मेज़र करे जाते हैं, उसकी पोटेंशियल चेक करी जाती है, जो स्किल्स होती हैं उनको चेक करा जाता है एंड लेटर जजमेंट दिया जाता है जो एक्चुअल स्किल पोजेस्ड वो फाइनली होता है उसका। वन मोर क्वेश्चन इज ऑल्सो डिस्क्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ आर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल यूजेस इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब भी एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेट अगर होता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, तभी वो मोटिवेट होगा। और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट जब किया जाता है तो वो मोटिवेट होता है, तो कैसे होता है? हाउ, लेट्स सी द आंसर। सो आंसर इज व्हेन एम्प्लॉय आर प्रोमोटेड टू हायर लेवल दे गेट मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। सिंपल है, जब ऑटोमेटिक जब वो उसका प्रमोशन किया जाएगा तो ऑटोमेटिक उसमें इनर मोटिवेशन डेवलप होगा। सो आज तक आज का यहीं तक टॉपिक रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।